हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। वनडे सीरीज के पहले मैच में आज न्यूजीलैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 347 रन का स्कोर बनाया था। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 48.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 348 रन बना दिए। अब इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच 8 फरवरी को ग्रीन पार्क ऑकलैंड में खेला जाएगा। यह मैच भारत के लिए करो या मरो की स्थिति वाला होगा। अगर यह मैच भारतीय टीम हार जाती है तो वह भारत सीरीज से भी हार जाएगा। ऐसे में भारतीय कप्तान विराट कोहली दूसरे वनडे मैच में जीत हासिल करने के लिए प्लेइंग 11 में कुछ जरूरी बदलाव भी कर सकते हैं। पहले वनडे मैच में खराब प्रदर्शन करने वाले शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव को दूसरे वनडे मैच से बाहर बैठना पड़ सकता है। वहीं केदार जाधव बतौर ऑलराउंडर टीम में खेल रहे थे, लेकिन पिच तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल थी, इसलिए उनसे एक भी ओवर नहीं डलवाया। ऐसे में दूसरे वनडे मैच में उनके स्थान पर शिवम दुबे प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव के स्थान पर नवदीप सैनी और युजवेंद्र चहल दूसरे वनडे मैच में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरे वनडे मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शिवम दुबे, रविंद्र जाडेजा, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल और इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।